रुको रुको, साहब जी नहीं है। ऑफिस में भी नहीं है तो फिर कहाँ गए? पता नहीं। शहर में है ना? पता नहीं। सेलफोन है ना? पता नहीं। ए, वो किस शहर में गए बता दो। पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। मैडम जी इधर आना है। इसको इसके माँ बाप का पता नहीं है कह देगा। पहले तो अनजाना, उसे कैसे भी पटाके कुछ भी करो, लेकिन तुम इन्फॉर्मेशन ले आओ। तुम ये रुको। हाँ ए बॉस, हम दोनों एक ही हैं। मतलब ये एक ही जात। तुम वॉचमैन, मैं भी वॉचमैन। तुम डे ड्यूटी करते हो, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। उसका पता बताएगा तो मिल सकता है ना? नहीं बताएगा तो नहीं मिलेगा। चल जल्दी से बता दे, कंजूस कहीं का। हाँ बोल जल्दी से। पता नहीं। सच में पता नहीं? शायद गोवा गए हैं। वो भी पता नहीं। ओहो, अबे तुम्हारे जेब में कितना रखा है? पता नहीं। पता नहीं है? ये बात है, फिर तुझे क्या पता है? तेरा नाम क्या है? पता नहीं है? पता नहीं। पता नहीं है? अंजना, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है मैडम। आ जाए तो ठीक है ना, थोड़ी भी झपकी आ जाए तो ठीक है। गोवा कितने बजे आएगा? गोवा हमारे पास नहीं आएगा मैडम, हमें गोवा जाना है। वो स्टेशन आ रहा है, कॉफी मिले तो लेके आता हूँ। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? बोलना नहीं आता क्या है? तुम्हारा संबंध क्या है? वो क्या है कि वो अबा। चलो स्टेशन में बैठ के बात करेंगे। Who are you? Who is he? वो किसके लिए आए हो? चोरी करने का? स्मगलिंग करने का? बोलो। टेररिस्ट है तुम दोनों? बोलो। ये सब गोवा का पुलिस है मैडम, चुप रहेंगे तो स्मगलिंग में फंसा देंगे ऐसा बोलते हैं। हम लोग तो पैसे लेकर आए हैं ना, निकालिए। इन पुलिस वालों को दे देंगे नीचे से ना तो चुप हो जाएंगे और हम छूट जाएंगे यहाँ से, है ना? जल्दी से दीजिए। पैसा लो जी, हम जाते हैं। पैसा लो जी। पैसा दे रहे हैं? मुझको पैसा दे रहे हैं? कांस्टेबल सर, ये आदमी को अभी लॉकअप में बंद करो जी। ये दोनों का फिंगरप्रिंट्स लेके आंध्र पुलिस को इन्फॉर्म करो जी। पुराना रिकॉर्ड्स भी चेक करो। ले जाओ यहाँ से, उठाओ। चल चल जाओ, अंदर जाओ। जाता हूँ। बैठो। तुम्हारी बकबक करने से ही ऐसा हुआ है। मैं क्या करता? मैं वॉचमैन की तरह ये भी पैसा लेके सोचा। अब हमें भगवान भी नहीं बचा सकते, सिर्फ साहब ही बचा सकते। उन्होंने बम कैसे छुपा के रखे थे मैडम? अरे बाप रे, बम फेंकने वाला तुम्हारा पति है? ऐसा मत बोलना आप मैडम, नहीं तो परमानेंट हम लोग यही रह जाएंगे। उनके लिए मैं यहाँ परेशान हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी फिक्र तक नहीं की और भागे वहां से। आप मत रोइए मैडम।